सबसे पहले मैंने जिंदगी में जब कोई चीज लिखी, मैं आपको सुनाता हूँ, आप सुन के हैरान होंगे कि मेरे पड़ोस में ही एक लड़का था जो माँ बाप का कहना नहीं मानता था और माँ को बहुत तंग करता था। तब उस वक्त मैंने ये बात लिख के बच्चे को समझाई, माँ की ममता से बढ़कर किसी का प्यार नहीं और दुनिया बनाने वाले तू भी इसकी बराबरी का हकदार नहीं। माँ की ममता से बढ़कर किसी का प्यार नहीं और दुनिया बनाने वाले तू भी इसकी बराबरी का हकदार नहीं। मेरी थोड़ी सी तकलीफ देख रातों रात सो नहीं पाती है, मेरी थोड़ी सी तकलीफ देख रातों रात सो नहीं पाती है, अरे दुनिया की तकलीफ देख तू सोता रहता है। माँ की ममता से बढ़कर किसी का प्यार नहीं और दुनिया बनाने वाले तू भी इसकी बराबरी का हकदार नहीं। दया धर्म ममता की मूरत माँ को तूने बनाया, दया धर्म ममता की मूरत माँ को तूने बनाया, 9 महीने बच्चा पेट में रखकर उसकी किस्मत लिखने का हक ना दे पाया। खून बहती है, दर्द सहन करती है, 9 महीने बच्चा पेट में रखकर उसकी किस्मत लिखने का हक ना दे पाया। काश ये हक तू दे देता, कोई भी बच्चा गरीब अपंग लाचार नहीं होता। माँ की ममता से बढ़कर किसी का प्यार नहीं और दुनिया बनाने वाले तो इसकी बराबरी का हकदार नहीं। और ऊपर वाले काश तेरे भी कोई माँ होती, और ऊपर वाले काश तेरे भी कोई माँ होती, गोद में सिर रखकर गाती और सुनाती, तब तू समझ पाता माँ क्या होती है, माँ क्या होती है। माँ की ममता से बढ़कर किसी का प्यार नहीं और दुनिया बनाने वाले तू भी इसकी बराबरी का हकदार नहीं। आप विश्वास करिए, इस कविता के बाद वो लड़का काफी सुधरा और काफी ठीक रहा, माँ की ममता को समझ गया। और आज के जमाने में बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, माँ बाप सबसे ऊंची चीज है, भगवान बाद में आता है, पहले माँ बाप आते हैं, पहले माँ बाप आते हैं। माँ की ममता है।